नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। आप देख सकते हैं बोली गांव से, धर्मगढ़ बोली से कुछ मजदूर हैं, वो आए हैं और इनको प्रशासन यहां पर जो क्वारंटाइन के लिए जो बनाए गए हैं, जो शेल्टर होम बनाए गए हैं वहां पर, वहां के लिए लेकर आए हैं। अब देखते हैं, हम बात करेंगे कहां से आए, कैसे पहुंचे, क्योंकि लॉकडाउन का आज 10वां दिन है। कहां से ये आए हैं, कैसे पहुंचे हैं, ये जानना होगा। इनसे लेके आए आप इनको? किसके साथ? धर्मगढ़ बोली से। धर्मगढ़ बोली, कहां से आए ये लोग? ये कह रहे हैं 70 से आए हैं। कब पहुंचे हैं ये? आज ही पहुंचे, दोपहर को पहुंचे थे। ठीक ठीक। कोई किसी तरह कोई लक्षण तो नहीं इनके अंदर? नहीं नहीं, इनको खाना पानी खिलाया वहाँ। जी जी। पानी पुनी पिलाया, फिर ये कह रहे थे अब हम रहना चाहते हैं रैन बसेरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हमने प्रशासन से बात करी है, वो कह रहे हैं इनको रख लेंगे। जी जी। हाँ जी। तो इसकी व्यवस्था किसने की है? हाँ जी, इनकी व्यवस्था किसने की है? सरपंच साहब ने बात करी थी। अच्छा, खाने की व्यवस्था किसने कराई गाँव में? गाँव में बस सारा जाना इकट्ठा करके बिस्कुट वगैरह खिलाया इनको। जी जी जी। हाँ जी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूरों की एक अच्छी खासी संख्या है। कहाँ से आए आप लोग? कुरुक्षेत्र से। तो कहाँ के रहने वाले आप लोग? राजस्थान के। राजस्थान के। तो कुरुक्षेत्र से कब निकले आप लोग? हम निकले जी कल। कल निकले थे? तो क्या क्या किस वजह से निकले आप लोग? वहाँ जी कुछ रहने सहने व्यवस्था नहीं थी हमारी। जी जी। तो वहाँ से हम निकले पैदल चलते घर के लिए। तो प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था नहीं की थी आप लोगों की? ये देखिएगा आप, कितनी संख्या आपकी? हाँ जी, 12 बंदे। 12 बंदे राजस्थान के हैं जो कुरुक्षेत्र से निकल कर आए हैं। बड़ी कमाल की बात है। वैसे तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि जो जहां भी है उनको पूरी व्यवस्था की जाएगी रहने खाने की, और कुरुक्षेत्र से ये लोग आए हैं। कुरुक्षेत्र में क्या प्रशासन ने किस तरह के आपका साथ नहीं दिया? ऐसे ही लोकल झाड़ी कर रहे थे मजदूरी। जी। उसके बाद कोई, हम तो वैसे ही अपने रोज खामे रोज कमामे, ऐसा काम है हमारा। तो प्रशासन कहता है कि व्यवस्था की गई थी आपके रहने की, वहां पर देखने ही नहीं आता हमारे को कोई। और खाना आपको? कुछ खाया ही नहीं वहाँ, जो हमारे पास था वही खाया बस, जो आपके पास था वही खाया। कब निकले आप वहाँ से? कल 3 बजे शाम को। और आज यहाँ पहुँचे तो आप रस्ते में जो नाके है वहाँ पर नहीं रोका गया आप लोगों को? नहीं रोका गया जी, पर आगे नुके आगे चले जाओ, वो आगे से आगे निकाल देंगे। जहाँ जब आप आए धर्मगढ़ बोली गांव में, तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? आपके हम इधर आए सफीदे साइड में जी, सर जी गए जी, इधर से हम वापस कर दिए। वापस कर दिए? यहाँ आए थे, यहाँ से वापस कर दिया, उधर से आए, उधर से ही वापस कर दिए। किसने यहाँ से किसने वापस किया आपको? रस्ते में गाड़ी गई थी पुलिस की गाड़ी। हाँ, पुलिस। तो वो क्या कहते हैं आपको? आप नुकरे वापिस जाओ। उनको लगा कि आप गाँव से आए हैं? हाँ, ऐसे लगा। गांव वालों ने क्या आपको खाना वाना खिलाया? खिला दिया जी, सही से, सही बढ़िया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये हमारी व्यवस्था हो जाए तो हम यहाँ रह लेंगे, रहने का खाने का व्यवस्था हो जाए। तो सभी तो प्रशासन आपके लिए व्यवस्था करेगा, क्योंकि पहले भी आम मजदूर रुके हुए, उनको अच्छी व्यवस्था की गई है। तो अगर आपको अच्छी व्यवस्था मिलती है, यहाँ रुकेंगे आप तब तक? रुक जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में मजदूर हैं 12। कहते हैं प्रशासन जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, उनकी पोल खुलती हुई यहाँ पर। कुरुक्षेत्र से ये लोग निकले हैं, भूखे थे वहां पर, जो इनके पास था वही इनको मिला, उसके बाद उन्होंने कुछ भी इनको नहीं दिया। सरपंच साहब यहाँ पर आए हैं, बोलिए सरपंच साहब। यही है वो शख्स जिनकी तारीफ कर रहे हैं 12 मजदूर। कहते हैं कि इन्होंने खाना भी खिलाया रहने के लिए, यहाँ पर प्रशासन से बात की। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, 12 मजदूर आपके गाँव में आए थे? ये निगदू है कोई कुरुक्षेत्र के पास, वहाँ ये किसी के पास काम कर रहे थे, मूल रूप से ये राजस्थान के रहने वाले हैं। जी जी। तो ये बेचारे जैसे कि ये अफरा तफरी का माहौल इस समय, ये वहां से अपने घर के लिए निकले थे भरतपुर जी, बीच रास्ते से गांव से होते हुए जी ये हमारे गांव में पहुंचे, वहां सड़क के ऊपर जी। तो जब हमने इनसे बात की तो ये बेचारे बहुत घबराए हुए थे जी। तो इनसे ये कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब स्थिति संभाल में है जी। तो हम, मैंने SDM साहब से बात की जी, और उसके बाद SHO धर्मवीर जी से बात की जी। तो SHO साहब ने भी और SDM साहब ने भी ये कहा कि आप इनको कोई साधन मुहैया करवा के आप इनको खानसर चौक तक लाओ और इनका हम रहने का पूरा बंदोबस्त करेंगे जी। और हम भी, मैं गांव वालों की तरफ से भी, अपने सरपंच साथियों की तरफ से भी प्रशासन को ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि कहीं भी हमारे सहयोग की कहीं, क्योंकि आज जो समय है देश के ऊपर बहुत कठिन समय है,
अगर हमें कहीं खाने पीने में कोई वस्तुओं की अगर जरूरत पड़ेगी, कोई अनाज की, तो हम अपने रूप से इकट्ठा करके इनको अच्छे रूप से कि जो जितने दिन भी ये यहाँ रहे तो इनको कोई दुविधा ना हो जी। बस अभी SHO साहब आ रहे हैं और इनको वो एक बार पूर्ण रूप से इनकी जान पहचान करके जो भी ये कैसे कहाँ से आए हैं और इनको शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाएगा। जी जी, तो बहुत अच्छा एक मानवता का काम यहाँ पर सरपंच धर्मगढ़ बोली अजीत पाल चट्ठा जी के द्वारा किया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, 12 मजदूर कुरुक्षेत्र से चले, कल दोपहर 3 बजे वो चले थे, आज दोपहर 3 बजे वो सफीदों में है धर्मगढ़ बोली, खाना खाया है, ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर ग्रामीण सरपंच खुद और यहाँ पर हमारे युवा साथी हैं वो इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। प्रशासन अब इनको जो भी शेल्टर होम बनाए गए वहाँ पर रखने वाली है, इनके खाने का रहने की व्यवस्था वो करने वाली है। तारीफ करनी होगी सफीदों प्रशासन की, कहने में कुरुक्षेत्र जिला है लेकिन सफीदों ने कुरुक्षेत्र जिले को मात कर दिया है, क्योंकि जितने भी मजदूर अभी तक यहाँ आए 25 पहले नरवाना से थे उनको रखा गया है, खाने की व्यवस्था की गई, अब 12 मजदूर अब फिर आए हैं उनको भी सफीदों में आश्रय मिलेगा, पूरा यकीन है। कंचन टीवी को बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, मैं यशपाल कंचन।